तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर राइटू जो होता है सिरिकावा से बता देता है कि उसने पहले किसी लड़की को प्रपोज किया है जिसका नाम मारिया होता है, बट उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ एज अ फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि इस एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में स्टार्ट होता है कि वो लड़की जो है यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट बनकर आती है जो सभी को इंट्रोड्यूस करती है। सभी बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ जो राइटू होता है उसे याद आता है इस लड़की के बारे में। उसे समझ में आता है कि क्या पता इसे याद नहीं हो मेरे बारे में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे ज़्यादा स्कूल के बारे में नहीं आता, तो तुम लोग मुझे सिखा देना। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सिखाने के लिए। हम देखते हैं जो मारिया का ध्यान जो है राइटू पे चला जाता है और उसे याद आ जाता है कि ये राइटू ही है। टीचर जो होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ से तुम क्वेश्चन अच्छे से पूछ सकती हो। और राइटू जो होता है घबरा जाता है, वो कहता है ये क्या। मारिया बैठने के बाद कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो हो राइटू ही हो और मैं तुम्हें जानती हूँ। पहले हम लोग जो स्कूल में थे तो साथ साथ में ही पढ़ते थे, अब दोबारा से हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो। यहाँ पर लड़कियों को भी वो बताती है कि हम दो है पहले पढ़ रहे थे और अब हम दोबारा साथ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो राइटू होता है वो सोचता है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए और इसीलिए वो जो है चुपके से गेट के बाहर चला जाता है। गेट के बाहर जाते ही उसे यहाँ पर निकोले मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो अक्सर घूर के ही देखती है। यहाँ पर निकोले कहती है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हम देखते हैं कि वो उसे यहाँ पर पास के रेस्टोरेंट में ले आती है। यहाँ पर राइटू जो होता है वो डरा हुआ होता है, उसे लगता है कि यहाँ पर वो कुछ कहेगी। वो पूछता है कि कुछ गलत हुआ है क्या कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। वो कहती है कि चुपचाप जो तुम्हें मैंने दिया है ना उसे खा लो। फिर वो जो है थोड़ा सा खाने लग जाता है, बट हम देखते हैं कि वो एकदम से घूर के देखती है तो वो फिर से घबरा जाता है और उसका जूस नीचे गिर जाता है। यहाँ निकोले बताती है कि सिरिकावा का बर्थडे आने वाला है, यही बात मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ पर आई थी। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें तो पूछना चाहिए ना उससे, क्योंकि तुम दोनों एक बार डेट कर चुके हो तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था कि उसका बर्थडे कब आता है। हमें उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, यही बात मैं तुम्हें कहने के लिए आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। राइटू कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर सिरिकावा को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें खुद ही पता कर लेना चाहिए। वो कहता है कि उसने मुझे ये फ़ोन कवर दिया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, उसी तरह मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो इसमें मेरी हेल्प कर दो। यहाँ निकोले दोबारा से टेबल पे बैठ जाती है और हम देखते हैं कि कोई और यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेता है। अब ये फ़ोटो क्या काम आएगी अभी पता चलेगा। सुबह सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिरिकावा है वो वेट कर रही है राइटू का। वो कहती है कि हम स्कूल में बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से बात कर रही हूँ। वो फ़ोन में फ़ोटो दिखाती है, कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम निकोले के साथ हैंग आउट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो पूछता है क्या तुम संडे को फ्री हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, यही बात मैं निकोले से पूछ रहा था। तो यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा ये बात है क्या। हाँ यही बात है, यही बात का डिस्कशन हम लोग वहाँ पर बैठकर कर रहे थे। फिर वो कहती है चलो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, वैसे भी हम दोनों साथ में स्कूल नहीं जा सकते। तो वो स्कूल पहले चली जाती है और यहाँ पर ये सोचता है क्या वो मुझसे जल रही थी कि मैं उसके साथ बैठा हुआ था। जलना प्यार वालों के साथ ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर डेट पर ले आता है उसे। यहाँ जो निकोले है वो बताती है कि उसे बबल टी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो यहाँ पर बबल टी ऑर्डर करता है।
यहाँ पर जो वो पीती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा है ये। राइटू जो होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि शुक्र है कि मैंने पूछ लिया था निकोले से, काम आ गया। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है श्रीकावा कि ये तो बहुत ही बेस्ट है, चलो मैं इसके आधे पैसे दे देती हूँ। यहाँ पर उसे रोकता है जो हमारा राइटू है, वो कहता है कि नहीं तुम रहने दो, तुम्हारा बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो एक मैप भी लेकर आया होता है कि तुम्हें कहां कहां जाना है, और साथ में वो पढ़ के भी आया होता है कि किस किस तरह के बबल टी होते हैं, जिनके बारे में वो यहां बताना स्टार्ट कर देता है। बट हमारी श्रीकावा जो होती है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, उसे तो बबल टी पीने से ही मतलब है। तभी उसकी शक्ल को देख कर वो चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता। श्रीकावा कहती है कि तुम इतना सब कुछ पढ़ के आए हो बबल टी के बारे में। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया है। राइटू मन ही मन सोच रहा होता है कहीं ये मुझे कहीं अजीब ना समझ ले कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। बट हम देखते हैं श्रीकावा जो होती है उसे देखकर स्माइल करती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि चलो अगले शॉप पर चलते हैं, और ऐसे ही वो लोग अलग अलग शॉप पर जाके ये बबल टी पीते हैं जो कि अलग अलग फ्लेवर का होता है। एक स्टोर पे जाके वो एक ही बबल टी लेकर आता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ ज़्यादा पीना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा पीकर कि तुम भी थोड़ा सा टेस्ट कर लो, इसका जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इस तरह से दे रही होती है कि यहाँ वो मना नहीं कर पाता है राइटू। वो जैसे ही उसे पीता है उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा दे देता है श्रीकावा को, और श्रीकावा कहती है इस तरह से हमारी इनडायरेक्ट किस हो गई है, और तुम लोगों ने ऐसा काम किया है कि नहीं किया है नीचे कमेंट में बता सकते हो। फिर हम देखते हैं वो कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है, क्योंकि वो शर्मा रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग जो है शाम को घर जा रहे होते हैं। श्रीकावा कहती है कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। अब दोनों एक ही साथ बोलते हैं कि हमें कुछ कहना है। बट यहाँ पर श्रीकावा देखती है कि कोई उसे प्रेजेंट दे रहा है किसी लड़की को, तो यहाँ पर राइटू सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर नहीं आ पाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, बट मेरे पास 1000 यान पड़े हुए हैं, तुम इसका यूज़ करो और अपने लिए प्रेजेंट ले लो। बट यहाँ श्रीकावा जो होती है वो कहती है कि ये जो मैप है वो मुझे दे दो, क्योंकि यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, इसके अंदर हमारी यादें हैं। और वो जो है वो कहती है कि मैं इसे अपने पास ही रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जो है ये याद दिलाएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और वो ऐसा बोल के उसे रख लेती है, कहती है अगली बार हम जरूर डेट पर जाएंगे। यहाँ पर राइटू कहता है हाँ, बट मैं इसे अपडेट करता रहूँगा। श्रीकावा कहती है कि थैंक यू, मैं अब 17 साल की हो चुकी हूँ और ये दिन जो है वो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जब वो सूज पहन रहा होता है तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बात कर रहे होते हैं उसके बारे में श्रीकावा के, कि वो जो है जंप करती रहती है एक गर्ल बॉयफ्रेंड से अलग बॉयफ्रेंड पर और उनका पैसा जो है वो ख़त्म कर देती है। यहाँ पर राइटू को समझ में नहीं आता कि ये अफवाह कौन फैला रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है छत पे जाके अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है, तभी निकोले यहाँ पर आती है और वो घूर कर देखती है, तो उसके जो दोस्त होते हैं उससे डर कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। निकोले कहती है कि ये पता नहीं मुझे देख कर ये सभी भाग क्यों जाते हैं, क्योंकि भाग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुमने तो डेट बहुत ही अच्छा किया है, तो वो कहता है कि थैंक यू इसके लिए, तुम्हारी वजह से ही मेरा डेट इतना अच्छा गया। यहाँ पर निकोले कहती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है, पता नहीं वो कौन फैला रहा है। अब यहाँ पर जानना चाहता है ये सेम बात राइटू भी। अगले दिन जब वो स्कूल में आता है तो इसे जो है मारिया गुड मॉर्निंग कहती है और साथ में उसके खाने के लिए कुछ लेकर भी आई होती है। वो जो है स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू। फिर हम देखते हैं क्लास स्टार्ट होती है और वो दोनों जो है साथ में ही बैठ जाते हैं क्योंकि मारिया को डाउट होता है।
हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर होती है वो भूल जाती है एक प्रिंट को लाने के लिए, तो वो कहती है कि मैं अपने जाके ऑफिस से लेकर आती हूँ। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ मारिया कहती है कि मैं जो हूँ डेटिंग के बारे में उस समय नहीं जानती थी, बट अब मैं जानती हूँ। यहाँ पर वो उसे रोकता है और कहता है कि मेरी जो है पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो वो स्माइल कहती है और कहती है कि अच्छा वो यहीं स्कूल में पढ़ती है क्या? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ, मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्लास में किसी और जा रहा होता है, फिर से वही अफवाह सुनता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि एक लड़का जो है सिरिकावा को एक क्लासरूम में लेकर जा रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। सिरिकावा कहती है कि नहीं, मेरा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि क्या वो इस स्कूल के अंदर पढ़ता है? तो वो कहती है कि सॉरी मैं बता नहीं सकती, ये सारी बातें यहाँ पर सुन रहा होता है राइटू। वो कहती है कि उसने मुझे मना किया है बताने के लिए और इस बात के लिए मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ, और वो जो फील करता है उसके रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ये सुनकर राइटू को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो उसके बातों को मानती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब वो क्लास के अंदर आ जाता है तो मारिया उसे दोबारा कहती है कि तुमने सुना है सिरिकावा के बारे में कि वो जो है जब डेटिंग करने के लिए जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड का सारा पैसा जो होती है वो ख़त्म कर देती है, और ख़त्म करने के बाद वो किसी और बॉयफ्रेंड को पकड़ती है। बट यहाँ पर पता होता है राइटू को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो दोबारा पूछती है उससे, मैंने सुना है उसका बॉयफ्रेंड कह रहा था जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था कि वो ऐसा ही करती है। अब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके बारे में उल्टा बोलना बंद करो, उसका जो एक्स है वो झूठ बोल रहा है। सिरिकावा जो है बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम मानती हो, वो जो है एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं। तो यहाँ पर वो कहती है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो परफेक्ट गर्लफ्रेंड है? तुम तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हो, या तुम उसे जानते हो? अब यहाँ पर जो राइटू होता है वो खड़ा हो जाता है, बेंच की आवाज़ से सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, और वो तेज से चिल्लाता है, जो सिरिकावा का बॉयफ्रेंड है ना वो मैं ही हूँ। अब ये सुनकर सभी लोग जो है चौंक जाते हैं। चौंकने वालों में यहाँ पर सिरिकावा भी होती है। अगर तुम एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे समझ में आया कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब आगे क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।